क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉट्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉट्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास के किनारे जमीन से बाहर निकले नुकीले लोहे से बाइक की पिछली टायर जो है वो टकरा गई और टायर फटने की वजह से 29 साल के लड़के की जान चली गई जबकि एक लड़की घायल है। यह हादसा कल रात करीब 12:15 बजे के आसपास मुंब्रा बाईपास लाल किले के नजदीक हुआ है। जिस लड़के की जान गई है उसका नाम अलीम नईम कापसे, जिसकी उम्र 29 साल है, इसकी जान चली गई और बाइक पर पीछे अलीम की बहन नसरीन बैठी हुई थी जो घायल है। बड़ी ही दुखद ये दुर्घटना जो मुंब्रा बाईपास पर हुई है। दरअसल हादसों की जो वजह है वो मुंब्रा बाईपास की खस्ता हालत है। जगह जगह पर आपको मुंब्रा बाईपास पर गड्ढे मिलेंगे और खराब ब्रेकर है और कई जगह दिशा निर्देश बताने के लिए जो बोर्ड लगाए गए थे उन्हें हटाया गया लेकिन जमीन से जो है उनके लोहे नुकीले बाहर निकले हुए हैं और इस पर जो गाड़ियां आती हैं टायर फटने की वजह से हादसे होते हैं। जिस तरह से ये हादसा हुआ इसमें 29 साल के एक नौजवान ने अपनी जान गंवा दी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताया जा रहा है कि अलीम कापसे मुरूड जंजीरा राजपुरी के रहने वाले हैं और इस वक्त उनका पूरा परिवार मुंब्रा के रशीद कंपाउंड रहमत अपार्टमेंट में फरजीन कापसे जो अलीम की बहन है उनके घर पर आए हुए थे। ये लोग कैटर्स का काम करते हैं और कल मुंब्रा बाईपास चार मीनार जो शादी का हॉल है वहाँ पर अलीम और नसरीन और इनके साथ में और कई लोग काम पर गए हुए थे मगर रात 12 बजे जो है चार मीनार से अलीम और नसरीन काम ख़त्म करके पल्सर गाड़ी से घर के लिए निकले थे मगर लाल किले से 10 कदम की दूरी पर ही एक नुकीला लोखन जो है वो ज़मीन से बाहर निकला हुआ था और इनके बाइक के पिछले पहिए में ये नुकीला लोहा जो है वो टकरा गया जिसकी वजह से इनके बाइक की टायर जो है वो फट गई और अलीम और नसरीन बाईपास रोड के किनारे रोड पर जाकर गिर गए और पीछे से आ रही ट्रक की चपेट में ये दोनों आ गए। हालांकि अलीम जो है वो पहिए के नीचे आ गया मगर नसरीन जो है वो ट्रक के बीचों बीच में आई और ऊपर से ट्रक गुजर गई। हालांकि पहिए के चपेट में ना आने की वजह से नसरीन की जान बच गई लेकिन अलीम जो है इसे घायल अवस्था में प्राइम हॉस्पिटल लाया गया मगर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि अलीम की शादी जो है वो 2019 में हुई थी और अलीम का एक बेटा भी है। हाल ही फिलहाल में अलीम कुवैत से भारत लौटा था और कल एक सड़क हादसे में अलीम की जान चली गई है। मुंब्रा बाईपास पर गड्ढों की वजह से और इस तरह जो लोहे निकले हुए इनकी वजह से या ख़राब ब्रेकर की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं मगर ना ही मुंब्रा बाईपास के गड्ढे भरे जा रहे हैं और ना ही ब्रेकर ठीक किए जा रहे हैं और ना ही इस तरह के जो लोहे निकले हुए हैं बाहर उन्हें निकाला जा रहा है जिसकी वजह से अब तक कई मासूमों ने अपनी जान मुंब्रा बाईपास पर गंवा दी है। आखिर ऐसे हादसों का जिम्मेदार कौन है और कौन इन मौत की जिम्मेदारी लेगा? आखिर क्यों नहीं मुंब्रा बाईपास के हालात को दुरुस्त किया जाता है? जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अलीम की बहन नसरीन भी साथ में मौजूद थी। नसरीन ने क्या कुछ कहा है और अलीम के रिश्तेदार हैं जावेद हाशमी, उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या नाम है आपका? नसरीन। और यह हादसा कैसे हुआ था? दरअसल हम आ रहे थे वहाँ से बाईपास से तो वहाँ खड्डा बिड्डा था क्या? कटा था वहाँ पर गाड़ी का टायर फटा। अच्छा, टायर फट गया। और हम लोग गिर गए। पीछे से गाड़ी आई, हम दोनों गाड़ी के नीचे आए लेकिन उसकी कमर पर से चली गई गाड़ी। बहुत लोगों को मैं बुलाई हेल्प के लिए तो कौन नहीं आया। छोटे दोस्त वाले पड़ा तो आई, फिर हम लोग ने उठा के उसको ऑटो में डाले और हॉस्पिटल लाए। जावेद भाई, जैसे कि नसरीन ने बताया कि टायर फट गया था वहाँ पर, दरअसल एक लोखन है उसमें बताया जा रहा है कि टायर जो उस वजह से फट गया था। भाई क्या ना, नहीं नहीं, होल से जो हम लोग निकले ना तो जगह जगह पर खड्डे हैं, वो लोखन जो निकला हुआ है उसमें किसका भी कोई सा भी गाड़ी का हादसा हो सकता है।
वहाँ पे जो लोखन वहाँ पे निकला हुआ है, इतना सा बड़ा लोखन है, उसी में उसका टायर लगा है। जब भी उसका टायर जो फट गया है ना, फटने के बाद में ये दोनों गिरे और लारी आई तो ये लारी के बीच में गई है। आगे जो आलिम करके लड़का है ना, उसके ऊपर से टायर पूरा गया लारी का। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ है 12:10 से 15 मिनट पे। हम लोग वहाँ से लेके आए हैं 12:28 पर। वहाँ से कहाँ गए थे आप लोग? वहाँ पर हम लोग शादी के शादी में गए थे, चार मीनार हॉल में। क्या काम कैटरर्स के काम करते हम लोग। अच्छा, ये हादसा जो हुआ उसके जो लोखन निकला था उसमें गाड़ी का पहिया गया, हाँ। उसके वजह से ये गिरे और ये इनकी जान चली गई है। बाईपास पे इसी तरह के तमाम हादसे हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से? लापरवाही है। अभी ये खड्डे बिड्डे सब अच्छे से हो जाए, बाहर पैदल भी चलो ना तो पैर इधर से उधर होता है, कोई उसका कार्रवाई होता ही नहीं कि ये चीज़ का देखा वाला जाए। अब इसमें ऐसा नहीं है महीने 15 दिन में होता है एक्सीडेंट, फिर भी इसका कोई कार्रवाई। कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरह के? कानूनी के तौर पर एक कार्रवाई करेंगे कि उसकी मुआवजे की मांग करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, हम लोग वकील करेंगे उसके, भाई उसके कम से कम फॉलो करेंगे, उसकी मांग करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो समस्या का हल होएगा, कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ेगा ना भाई, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करेंगे, ऐसा आज ये हुआ है कल और होएगा, तो सब क्या है? यहाँ के नगर सेवक MLA क्या कर रहे हैं, यही करवा रहे हैं, गरीब आदमी मर जाए।